राधाकुंड परिक्रमा मार्ग से नगर पंचायत प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। गोवर्धन। नगर पंचायत प्रशासन ने राधाकुंड परिक्रमा मार्ग से पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस बल देखकर अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। राधा रानी कुंड के घाटों और परिक्रमा मार्ग से कुर्सी, मेज, टेबल, पट्टा, ढकेल आदि को जब्त किया और एक दर्जन से अधिक चालान काटे गए। दरअसल दो दिन पूर्व राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण से परेशान स्थानीय निवासी गोविंद गोस्वामी सहित दर्जन भर लोग राधा रानी कुंड झूलनतला घाट पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई तो प्रशासन में खलबली मच गई और आनंद फानन में थाना प्रभारी नितिन कसाना धरना स्थल पर पहुंचकर सूझबूझ के साथ दो दिन में अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन देकर आमरण अनशन खत्म कराया। शुक्रवार को महेंद्र कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राधाकुंड प्रशासन की टीम व पुलिस बल के साथ राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कुर्सी, मेज, टेबल, टीन, टप्पर आदि को हटवा कर जब्त किया और एक दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों के चालान काटे गए। इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण को स्वयं हटाने में लग गए। कर्मचारियों और अतिक्रमणकारियों को लाउडस्पीकर से चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर दोबारा से अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज राधाकुंड नगर पंचायत के द्वारा यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, किस उपलक्ष्य में चलाया गया, किस बात को लेकर चलाया गया, ये कब तक चलेगा? राधाकुंड परिक्रमा मार्ग पे अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में समय समय पर शिकायत की जा रही है, उसी के अनुपालन में ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये निरंतर चलता रहेगा। बताया जाता है अतिक्रमण शाम को ये लोग लगा लेते हैं, उसके बाद में क्या होगा? हाँ, इसीलिए इनको हिदायत दी जा रही है और ये निरंतर अभियान चलाकर इनको हटाया जाएगा। अब तक कितने दुकानदारों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है आपके नगर पंचायत के द्वारा? कम से कम 10 लोगों का अभियान अस्थायी, पूर्व में भी जुर्माना और अतिक्रमण हटाया गया था।